जब सीता जी को पता चला कि हनुमान जी भगवान शिव के अवतार हैं, तो उन्होंने क्या किया, आज के इस खास वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। आप देख रहे हैं महादेव दर्शन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, हनुमान जी, बजरंगबली, मारुति, इन सभी नामों से विख्यात भगवान हनुमान सुमेरु पर्वत के राजा केसरी और माता अंजना के पुत्र हैं। अत्यंत बलवानी भगवान हनुमान जी को विद्वानों द्वारा वानर जाति से संबंधित बताया है, जिनके मुख और शरीर का आकार बिल्कुल वानरों की भांति था। भगवान हनुमान पर पवन के देवता का भी आशीर्वाद था, यानी पवन देव का। पवन देवता ने उनके पालन पोषण के महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी, जिसके उपरांत बजरंग बली को पवन पुत्र भी कहा जाने लगा। महान शक्तियों के बल पर पवन पुत्र हनुमान ने अपने जीवन काल में अनेक प्रभावशाली कार्य किए, जिनमें से रामायण काल में उनकी भूमिका समस्त संसार में लोकप्रिय है। वानरों की सेना की अगुवाई करते हुए जिस प्रकार पवन पुत्र हनुमान ने लंका के राजा और असुर सम्राट रावण की कैद से भगवान राम की पत्नी माता सीता को मुक्त कराया, और उसे सारा जगत आज भी जानता है। लेकिन सीता माता से भी हनुमान जी के जीवन का एक और बड़ा सच जुड़ा है, जो शायद कम लोग ही जानते हैं। वानर के रूप में बजरंगबली महत्वपूर्ण अवतार लेकर धरती पर आए थे, जिसका आभास माता सीता को पहले ही हो गया था। अयोध्या के राजा राम के परम भक्त हनुमान को शिव के 11वें रुद्र अवतार के रूप में दर्शाया जाता है। इतना ही नहीं, भगवान शिव के आशीर्वाद से ही हनुमान जी को सभी शक्तियां प्राप्त हुई थी। यह तब की बात है जब माता सीता हनुमान जी के लिए भोजन बना रही थी। माता सीता द्वारा बनाया गया भोजन हनुमान जी को इतना पसंद आया कि वह खुद को रोक ना सके और खाते चले गए। वह जितना खाते उनकी भूख और बढ़ जाती। हनुमान जी के रुद्र अवतार से अपरिचित माता सीता उनकी इस दशा को समझ ना पाई और कुछ समय पश्चात इसका उपाय खोजने लगी। तभी माता सीता ने हनुमान जी की पीठ पर ओम नमः शिवाय लिख दिया। ऐसा करते ही हनुमान जी को अपना वास्तविक स्वरूप ज्ञात हुआ और वह रुक गए। हनुमान जी में आए इस बदलाव को देखते ही माता सीता समझ गई कि ये कोई आम वानर नहीं है, बल्कि वानर के वेश में शिव जी के अवतार हैं। ऐसे अनेक पराक्रम हनुमान जी ने कई बार किए हैं, चाहे वह लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाना हो, माता सीता से अशोक वाटिका में भेंट करना हो, राम सेतु बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना हो, और भरी मंच सभा में अपनी छाती चीरकर श्री राम और माता सीता के चित्र को दर्शाना हो। हनुमान जी आज भी चिरंजीवी हैं और इस कलयुग के अंत तक अजर अमर रहेंगे। उन्हीं के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर दोस्तों जय श्री राम अवश्य लिखिएगा, क्योंकि जब आप उनके प्रभु को खुश करेंगे तभी तो हनुमान जी भी खुश होंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।